फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश डे 2M चैनल पे। आज के दिन बात करने वाले हैं NSP स्कॉलरशिप में जो OTR का जो फॉर्मूला आया है, OTR रजिस्ट्रेशन का। जिन्होंने भी नहीं किया या जिनके भी कुछ डाउट आ रहा है OTR रजिस्ट्रेशन से लेकर, यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस लेके बताऊंगा यहाँ पे कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्या गलती हो रही है आपका, जैसे फेस ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा है, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है, सिग्नेचर मिसमैच हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, आधा सीडेड नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। पूरा स्टेप बाय स्टेप तरीका बताऊंगा इस पूरी वीडियो में, कहाँ से आपका एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, कहाँ से फेस रोड एप्लीकेशन डाउनलोड करना है अपडेटेड वाला, जिससे आपके मोबाइल डिवाइस में कहीं ना कहीं वो हद तक सपोर्ट कर जाए, ठीक है। तो एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले मैं बताता हूँ, इस प्रकार का मैसेज आप सबके सामने आया होगा, आज सुबह भी आया होगा इस प्रकार का मैसेज, मैं जानता हूँ, क्योंकि आपको बोला जा रहा है NSP की तरफ से कि OTR रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। अगर आपने OTR रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, हो सकता है पेमेंट भी ना मिले, ठीक है। OTR रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो पेमेंट मिल सकता है, और साथ में ये कि जब 2024-25 सेशन स्टार्ट होने वाला है, उसमें आप OTR आईडी और पासवर्ड से आप लॉगिन कर पाओगे, आप रेफरेंस आईडी और उन सबसे कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसमें आप दो चीज़ें आती है कि सबसे पहले आपका OTR रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले अगर आपका इस प्रकार का रेफरेंस आईडी आया है, इस मीन्स ये है कि इस रेफरेंस आईडी की मदद से आपको OTR जनरेट करना है, उससे पासवर्ड जनरेट करना है, उसका फिर फेस ऑथेंटिकेट करना है कि आपका आधार कार्ड और आपका जो फेस है वो मैच होना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज़ है कि बैंक अकाउंट सीडिंग होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आप 2024-25 अप्लाई कर पाओगे, साथ में आपको पेमेंट भी मिलने को देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे तो ये चीज़ NSP लाई है, हालांकि काफ़ी लेट लाया है NSP ने, लेकिन लाया है जो राइट बेनिफिशियरी को पैसा देने के लिए इस चीज़ को लाया है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे करने को पूरा प्रोसेस बताऊंगा। देखो, सबसे पहले मैं बताऊंगा, यहाँ पे गूगल पे आओ, सिंपली यहाँ पे लिखो scholarshipworld.com, क्योंकि इसमें आपको अपडेटेड लिंक्स वगैरह सब प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। इस लिंक पे क्लिक करोगे, पहला ही आपको आर्टिकल मिलेगा, नेशनल स्कॉलरशिप लॉन्च OTR रजिस्ट्रेशन 2024 पर NSP OTR KYC फेस ऑथेंटिकेशन, ठीक है। जो भी डाउट्स हो सारे क्लियर हो जाएंगे। इस पोस्ट को सिंपली ओपन करना है, मैंने ओपन कर लिया आपका टाइम बचाने के लिए यहाँ पे। और सिंपली यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, नो योर OTR। अगर आपके पास OTR नंबर का रेफरेंस नहीं आया, चाहे आप कोई भी सेशन के हो 2023 में, अगर आपके पास रेफरेंस नहीं आया, बोलते हैं सर मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया OTR का, तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपना रेफरेंस आईडी जान सकते हो कि मेरे को मैसेज आएगा मुझे करना ही नहीं करना OTR रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आधार नंबर लिख के और यहाँ पे कैप्चा भरने के बाद सबमिट कर दो। अगर आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका रेफरेंस नंबर ये है, तो इसमें से आपको OTR रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। पहली बात तो ये देख लो, ठीक है, दोबारा पहुंच जाओ। दूसरा यहाँ पे थिंग्स रिमेंबर, फेस ऑथेंटिकेशन ऐप, जो फेस ऑथेंटिकेशन ऐप जो अपडेटेड वाला, जो अधिकतर कहीं ना कहीं डिवाइस में सपोर्ट कर जाए, अगर आपके पास डिवाइस में सपोर्ट करे, तो ये एप्लीकेशन जो अपडेटेड है, जो यहाँ पे डाउनलोड करके सीधा आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तीसरी चीज़ यहाँ पे OTR ऐप अपडेटेड, जो OTR ऐप है यहाँ पे अपडेटेड, आप इसको कर सकते हो। और ये जो आपका फेस रोड एप्लीकेशन, इसको जैसे ओपन करोगी, आपका आधार फेस रोड है, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना अपने मोबाइल डिवाइस में। इसको ओपन नहीं होगा, ओपन ही बैकग्राउंड में चलेगा, ठीक है। कभी सोचते हैं कि ओपन होगा, देखिए बैकग्राउंड में रन करेगा, जैसे आप फेस ऑन नहीं करोगे तो वो होगा, ठीक है। तो इसको डाउनलोड करोगे, तीनों डाउनलोड कर लेंगे। ये तीनों को सबसे पहले चेकआउट करने के बाद फिर यहाँ पे सिंपली आओगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है गिवन दे रखी, स्टेप बाय स्टेप तरीके से बता रखा है। अभी मैं वीडियो में आपको मोबाइल से करके दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप तरीके से। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से जानते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आधार यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है NSP OTR, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। NSP OTR डाउनलोड करने पर स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आपको करना है इस प्रोसेस को। तो यहाँ पे सिंपली क्लिक कर लोगे NSP OTR को। NSP OTR डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे आपको मेरा लॉगिन रजिस्टर AKYC फेस होना। तो मैंने आपको 2023-24 का बारे में बता दिया था, अब 2024-25 के बारे में स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पे रजिस्टर में जाके सबसे पहले न्यू तरीके से यहाँ पे जनरेट करेंगे 2024-25 वाले, जो उन्होंने कभी भी NSP में फॉर्म नहीं भरा, वो गाइडलाइन से लेकर रजिस्टर मोबाइल नंबर AKYC और फिनिश करके उसी को बढ़ लेंगे, ठीक है। अगर आप 2024-25 से रिलेटेड जाना चाहते हो तो इसके रिगार्डिंग मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है, जिससे आप जान पाओगे। इस वीडियो में जिनके पास रेफरेंस नंबर आया है वो क्या करेंगे वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो रेफरेंस नंबर से आपको यहाँ की EKYC फेस ऑथेंटिकेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करूँगी यहाँ पे रेफरेंस नंबर आपको मिलेगा, तो रेफरेंस नंबर आपको भरना है, ठीक है। जो रेफरेंस नंबर मोबाइल नंबर पे SMS आया है, जिससे आप जान सकते हो, भी बताया मैंने, ठीक है, वो मैंने भर दिया। उसके बाद यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। लाइव प्रूफ बता रहा हूँ, देखो कंप्लीट वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब मेरे मोबाइल पे यहाँ पे OTP आ चुका है, ठीक है। मेरे मोबाइल पे यहाँ पे OTP आ चुका, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे OTP को लिख दिया यार, यहाँ पे जो है कि कैप्चा वेरिफिकेशन है उसको मैं यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ, पूरा लाइव प्रूफ ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये मैंने कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, यहाँ पे EKYC फेस नॉट वेरीफाइड दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे प्रोसीड फॉर फेस ऑथेंटिकेशन आपको दिखा रहा है, प्रोसीड फॉर फेस, मतलब आप फेस ऑथेंटिकेशन प्रोसीड करो, ठीक है, आगे बढ़ो। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे ना यहाँ पे,
तो यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, आपकी एज जो 18 होनी चाहिए, आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, आपका जो फेस है ना, जो बचपन की फोटो नहीं होनी चाहिए आधार कार्ड में। अगर आप बचपन की फोटो होगी ना तो क्या होगा कि उसमें आपका हो सकता है सिग्नेचर मिसमैच की प्रॉब्लम होता है, या आपका फेस सही से ले नहीं, ठीक है, फेस ऑथेंटिकेशन फेल हो जाए, इस प्रकार हो सकता है। मैं सबसे पहले कहूँगा अगर आपका ऐसा कुछ हो रहा है ना तो 2-3 दिन वेट करो, मैं कहूँगा तुरंत दो तीन वेट करो, दो तीन वेट करें, दोबारा ऐसा हो रहा है तो आप एक काम करो कि अपना जो फेस है ना वो जो है उसको बदल दो। बदलने का मतलब है कि आधार कार्ड में जो फेस है उसको अपडेट करो, नया मतलब जो फेस है उसको लगाओ, ठीक है, तो उसके आधार पर सारी चीज़ को प्रोसीड करो, ठीक है, अगर आपका ऐसा आ रहा है तो। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर लेंगे। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आप देख लो ये मांग रहे आधार और फेस, मतलब बैकग्राउंड चलेगा, तो बैकग्राउंड चलेगा वाइल यूजिंग द ऐप, ठीक है। तो यहाँ पे चलो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे इंस्टॉलिंग स्टेप 1.5, ठीक है, ये होगा। अभी मेरा जो फेस है वो लेगा, ठीक है, मैं अभी को कंप्लीट नहीं करूँगा क्योंकि मैं डेमो पर्पस के लिए आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, मुझे क्या इसमें फॉर्म नहीं भरना है, मुझे डेमो पर्पस के लिए आपको दिखाना है क्योंकि मैं 2024-25 में आप सबको अप्लाई करने दिखाऊंगा तो वो चीज़ तब नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस आएगी, गाइडलाइंस क्लिक करने के बाद यहाँ प्रोसीड पे क्लिक कर दोगे, ठीक है, प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो इस प्रकार का यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं फेस नहीं लगाऊंगा अपना, क्योंकि अगर फेस लगा दिया तो मैं 2024-25 में आपको अप्लाई करने का प्रोसीजर नहीं दिखा पाऊंगा एक्चुअल में क्या हुआ, ठीक है, डेमो पर्पस के लिए। तो ये चीज़ आप देख रहे हो, अपना फेस जो है इस ग्रीन कलर में एंगल में होना चाहिए, ये भी रेड में दिखा रहा है कि मेरे फेस नहीं, तो इसमें पूरा होगा तब जाके ये चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं डिटेक्ट करे, देखो जैसे देख रहे हो आप, तो फिर उसके बाद यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, उसको अभी मैं हटा देता हूँ। तो इस प्रकार का आपका फेस ऑप्शन कम्प्लीट, जैसे ही फेस कम्प्लीट हो जाएगा आप अपने फॉर्म को लॉग इन करोगे और लॉग इन करते आपका यहाँ पे कम्प्लीट हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर है, तो जरूर इसको करिए, धन्यवाद।